हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक, ओके। लेट अस कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 3। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, ओहम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस। देन वी हैव स्टडीड अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दैट इज सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट किरचॉफ्स रूल्स। This topic is very important because complicated circuits cannot be solved using Ohm's law. When too many resistors and cells are connected, at that time circuit will become very complicated. And using this Kirchhoff's rules, we can easily find electric current flowing through resistors and potential difference across them. So this topic is very important topic of this chapter. मतलब किरचॉफ्स रूल तुम्हें आने चाहिए। अगर ये किरचॉफ्स रूल्स का टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया तो आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में खास ध्यान दें। मैं किरचॉफ्स रूल स्टार्ट करूँ उससे पहले हम बात करते हैं जंक्शन के बारे में। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ जंक्शन? जैसे आपने रेलवे जंक्शन के बारे में सुना होगा, वैसे ही सर्किट में भी जंक्शन होता है। द पॉइंट इन अ नेटवर्क एट विच मोर देन टू कंडक्टर्स मीट इज कॉल्ड जंक्शन। दिस इज द सर्किट एंड दिस आर द पॉइंट्स ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। द पॉइंट इन अ नेटवर्क एट विच मोर देन टू कंडक्टर्स मीट, मोर देन टू, सो मिनिमम 3। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने कंडक्टर मीट कर रहे? ओनली 2। सो दिस इज नॉट द जंक्शन। हियर 2 कंडक्टर्स आर मीटिंग एट पॉइंट सी, 1, 2 एंड 3। मोर देन 2 कंडक्टर्स आर मीटिंग एट पॉइंट सी, सो वी कैन कॉल सी एज अ जंक्शन। सो पॉइंट सी इज द जंक्शन ऑफ दिस नेटवर्क। वॉट अबाउट डी? डी दैट इज नॉट जंक्शन। ई दैट इज नॉट जंक्शन, बट एफ दैट इज जंक्शन। हियर ऑल्सो 3 कंडक्टर्स आर मीटिंग, इट मीन्स मोर देन 2 कंडक्टर्स, देयरफॉर एफ दैट इज जंक्शन। So in this network, C and F are the junctions. क्या junction का concept आपको clear हो गया? अगर आपको junction का concept clear है तो आप Kirchhoff's first rule easily समझ जाओगे। Look, a closed circuit formed by conductors is known as loop. Closed circuit formed by conductors. तो देखो यहाँ पे क्लोज सर्किट, ये खुद ही एक क्लोज सर्किट है, तो एक लूप बन रहा है। कौन से लूप बनेंगे? तो यहाँ पे बहुत सारे लूप बनेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्कस करूँ तो फर्स्ट दैट इज ए, बी, सी, एफ, ए। मतलब क्या कुछ ऐसा लूप बनेगा ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए, that is nothing but loop. F C D E F, that is also loop. F C D E F, जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पर वापस आना है। A से स्टार्ट किया तो A पे वापस है, तो एक क्लोज लूप फॉर्म हो गया। यहाँ पर F से स्टार्ट किया, F पे वापस है, सो दैट इज नथिंग बट लूप। जरूरी नहीं कि एफ से स्टार्ट करें, सी से भी स्टार्ट कर सकते हो। सी डी ई एफ सी, दैट इज ऑल्सो लूप। थर्ड लूप, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ ए, दैट इज ऑल्सो लूप। ए बी सी डी E F A,
A B C D E F A. That is also loop. So a closed circuit formed by conductors is known as loop. Junction की definition क्या है? The point in a network at which more than two conductors meet is called junction. तो C और F क्या बन गए? Junction. Loop बनाना है तो क्या करो? एक closed path select कर लो circuit में, तो वो क्या बन जाएगा? Loop. ठीक. Total we are going to study two rules, Kirchhoff's first rule and Kirchhoff's second rule. Kirchhoff's first rule is called junction rule. उसको क्या बोला जाता है? Junction rule. And it is also called KCL. क्या बोला जाता है? KCL. Why it is called KCL? That is Kirchhoff's current law. इसको बोला जाता है Kirchhoff's current law. At any junction, the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction. कोई भी junction select कर लो, मुझे बताओ. Here, we can write at junction C, tell me, if we apply Kirchhoff's first rule, then the sum of the currents entering the junction. कितना current enter हो रहा है? C के पास कौन सा current आ रहा है? I. And I1 and I2 are leaving the junctions. So we can write I is equal to the sum of currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction. I1 and I2 are leaving the junctions. This current I1 and I2 are leaving the junction. Therefore, sum of these two currents, that is I1 plus I2. So at junction C, we can write I is equal to I1 plus I2. Same way you can apply junction rule at point F. Same thing you will get. I1 plus I2 is equal to I. चलो अब यहां पे आ जाते हैं. Here total how many conductors are meeting at point O? 1, 2, 3, 4 and 5. So this is nothing but junction. At point O, more than two conductors are meeting. Therefore this is called junction. Here if we apply Kirchhoff's first rule, then sum of currents entering the junction. For this, tell me, sum of currents entering the junction. I1, that is entering the junction. I2, that is leaving the junction. I3, that is entering the junction. Sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the junction. So I2 plus I4 plus I5. This junction rule states that when steady current is flowing through any network at that time, charge is not accumulated at any point. When steady current is flowing through any network at that time, charge is not accumulated at any point. तो कहीं पे भी चार्ज रुकने वाला नहीं है. जितना चार्ज एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकल रहा है. दैट इज नथिंग बट किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल. सो वी कैन राइट द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन. सिंपल सा रूल है, आपको आ जाएगा. चल यहां पे लगाएं तो चलो आपको दो सर्किट करवा दी. अब इस नेटवर्क के लिए बताओ, अगर किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल लगाया जाए तो क्या बनेगा? हियर दिस पॉइंट इज नथिंग बट जंक्शन, बिकॉज एट दिस पॉइंट मोर देन टू कंडक्टर्स आर मीटिंग. देयरफॉर दिस इज जंक्शन. नाउ टेल मी सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, दैट इज नथिंग बट आई वन प्लस आई टू. आई वन प्लस आई टू एंड सम ऑफ करंट्स लिविंग द जंक्शन,
that is nothing but I3 plus I4. सिंपल सी बात. चल अब आप लोगों को बताना है इस सर्किट में अगर ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो यहां से क्या करंट फ्लो होगा. हियर दिस इज नथिंग बट जंक्शन. टेल मी व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू थर्ड वायर. फ्रॉम फर्स्ट वायर करंट फ्लोइंग इज, करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट वायर इज 2 एम्पियर, करंट फ्लोइंग थ्रू सेकंड वायर दैट इज 3 एम्पियर. देन टेल मी व्हाट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू थर्ड वायर. 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर दैट इज नथिंग बट 5 एम्पियर. सिंपल सी बात है. यस और नो. बिकॉज सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन. एंटर कितना हुआ? 3 प्लस 2, तो जाना भी कितना चाहिए? 5 एम्पियर. यस और नो. हियर इफ आई टेक दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, हियर लेट मी टेक 4 एम्पियर, हियर लेट मी टेक 3 एम्पियर. सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर विल बी 7 एम्पियर एंड हियर 2 एम्पियर. देन टेल मी व्हाट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस वायर. आया कितना? 4 प्लस 3 7, सो दिस इज 7 एम्पियर. व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज लिविंग द जंक्शन, दिस इज द जंक्शन, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज लिविंग? 2 एम्पियर. 7 आया, गया कितना? 2, तो बचेगा क्या? 5 एम्पियर. सो हियर द करंट विल बी 5 एम्पियर. सो दिस वे वी कैन फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क. दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल. क्या आपको अच्छा लगा? मजेदार है? समझ में आ गया? चलो ठीक, तो आप कौन सा पढ़ेंगे? किरचॉफ्स सेकंड रूल. अगर किरचॉफ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल आपको क्लियर है तो आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इजीली सॉल्व कर सकते हो. अब आते हैं किरचॉफ सेकंड रूल पे. मेन मजा इसमें है किरचॉफ सेकंड रूल, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगी उसे सॉल्व करने में ये हेल्प करने वाला है बहुत. तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना. किरचॉफ सेकंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप. Involving resistor and cells in the loop is zero. Resistor हैं, cell हैं, सब कुछ है. The algebraic sum of changes in potential. कहीं से भी start करो, A से start करो. Journey कहाँ से start की? A से. कहाँ जाना है? A to B, B to C, C to F, F to A. जहाँ से start किया वहाँ से. The algebraic sum of changes in potential around any closed loop. Any closed loop. Whether you are taking this loop or this whole loop. Then, algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistor and cells in the involving resistors and cells in the loop is zero. So, whenever we come back to same point, then the change in potential around any closed loop is zero. Potential में कोई change होने वाला नहीं है. A से चले, A पे घूम के वापस आए, there isn't any change in potential. अभी आपको लगता होगा सर कैसे? आप बोल तो रहे हो पर होगा कैसे? उसके लिए मैंने कुछ circuits ली हुई हैं. पहले ये circuit solve करते हैं, फिर आपके लिए यहाँ पे समझना आसान हो जाएगा. Here I have taken वन पार्ट ऑफ द सर्किट. एक छोटा सा पार्ट लिया, कोई सर्किट है उसमें से इतना सा पार्ट उठा लिया, ठीक है. बाकी तो सर्किट में एक्चुअली करंट फ्लो करवाना है तो कैसा होना चाहिए? क्लोज लूप. तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्किट एंड हियर पोटेंशियल दैट इज ए एंड हियर पोटेंशियल दैट इज बी. यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान लेते हैं? वी ए. और यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान लेते हैं? वी बी. We know that current flows from higher potential to lower potential. Current flows from higher potential to
लोअर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम होना चाहिए, तभी यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो करंट जहाँ से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, ए से। तो वी आर स्टार्टिंग अवर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए। हियर पोटेंशियल दैट इज वी ए, यही चीज करने वाले हैं। द एलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, सिर्फ क्लोज लूप नहीं लिया हमने। वी ए हियर करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हियर द पोटेंशियल मस्ट बी हायर देन दिस पॉइंट, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्रॉप, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड वी करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ जर्नी, वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। वेन करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ जर्नी एट द टाइम वी हैव टू टेक माइनस। चल नहीं समझ में आया तो क्या करना है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल घटे बढ़े, पोटेंशियल घटे बढ़े घटे तो माइनस, करंट आगे बढ़ रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो मतलब यहाँ से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल कम हो गया होगा, कितना? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर करंट दैट इज टू इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1/4। चलो कहाँ पहुँचे, यहाँ पे, कहाँ जाना, यहाँ पे। दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर, पोटेंशियल बढ़े घटे, बढ़े घटे, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल माइनस वन, प्लस टू माइनस माइनस वन, कहाँ पहुँचे, इधर कहाँ पहुँचना, बी पे। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्या ऐसे ही करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा यहाँ पे कम, प्लस माइनस। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, दैट इज नथिंग बट आई आर, आई कितना है टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1/4, कहाँ पहुँचे, बी पे। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दैट इज वी बी। वी ए हायर टू लोअर आई आर 2 × 1/4, हायर टू लोअर माइनस वन, हायर टू लोअर 2 × 1/4, कहाँ पहुँच गए फाइनली, वी बी। सो दिस वे वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी बी, इस तरफ आगे 2 × 1/4 1/2 ये सब सामने जाएंगे तो क्या बनेगा 1/2 + 1 + 1/2 ½ + ½ 1 + 1 = 2। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज 2 वोल्ट। अगर यहाँ पे बैटरी का, अगर यहाँ पे बैटरी की पोलारिटी चेंज कर दी होती, मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव होता और यहाँ पे पॉजिटिव होता, तो माइनस वन की जगह क्या आता, प्लस वन। क्या समझ में आया, मान लो कि 2 वोल्ट की बैटरी होती, माइनस प्लस होता तो क्या हो जाता, प्लस टू, यस ऑन। ओके, कहाँ से निकले, ए, कहाँ पहुँचे, बी। सो वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम ए एंड फाइनली वी आर रीचिंग एट बी, फाइनली कहाँ पहुँचे, बी पे। तो स्टार्टिंग पोटेंशियल क्या था, वी ए, वी ए में से
पोटेंशियल में चेंज आया और फाइनली पोटेंशियल क्या बन गया, बी। मान ले कि हमने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की होती, ए से, और वापस कहाँ पे आते, ए पे। तो यहाँ पे क्या है, वी ए, और यहाँ पे भी क्या था, वी ए। यस और नो? अरे यार, स्टार्ट कहाँ से किया होता, ए पे। मान ले घूम के ए से बी गए, बी से वापस कहाँ पे आए, ए। तो पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट करते इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाता है, वी ए। तो पहले पोटेंशियल क्या था, वी ए, फाइनल लौट के वापस आए, पोटेंशियल क्या मिला, वी ए। इट मीन्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। मतलब यहाँ से स्टार्ट करें, वी ए, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस, सेल के हिसाब से प्लस माइनस। इफ़ वी फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप, देन द चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। मतलब यहाँ से स्टार्ट करूँ, वी ए, यहाँ से कुछ घटे बढ़े, यहाँ से कुछ घटे बढ़े, यहाँ से वापस आके कहाँ पे आते, जर्नी कंप्लीट करते, माइनस प्लस माइनस प्लस, बचता क्या पोटेंशियल, वी ए। सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल दैट इज जीरो, दैट इज नथिंग बट किरचॉफ्स सेकंड रूल। अगर नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, वी हैव स्टडीड अबाउट सेल्स इन सीरीज, पढ़ा था, दिस इज ई वन, दिस इज ई टू, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग कंडीशन। कैसी कंडीशन बोली जाती है, हेल्पिंग कंडीशन। व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग कंडीशन, मतलब मान ले कि यहाँ पे एक क्लोज लूप बनाते हैं, तो ये बैटरी क्या जाती है, करंट कैसे फ्लो हो, टूवर्ड्स ए। ये बैटरी भी क्या जाती है, करंट कैसे फ्लो हो, टूवर्ड्स ए, मतलब कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा। सो हियर दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेल्पिंग, ये हेल्प ही कर रही है, उसे बोल रही है हाँ ऐसे ही करंट फ्लो करवा। 6 वोल्ट भी बोल रहा है ऐसे करंट फ्लो करवा, 2 वोल्ट भी बोल रहा है ऐसे ही करंट फ्लो करवा। ओके, टेल मी व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ, क्या होना चाहिए, याद है हम पढ़े इक्विवेलेंट ईएमएफ व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्या था, ई वन प्लस ई टू, सिक्स प्लस टू, 8 वोल्ट, क्या आना चाहिए, 8 वोल्ट। चलो किरचॉफ्स रूल लगा के देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से, वी ए, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़े घटे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बड़े घटे घटे, माइनस सिक्स, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बड़े घटे घटे, माइनस टू, कहाँ पहुँचे, बी। पता क्या बने, वी ए माइनस वी बी, 6 प्लस टू 8 वोल्ट, अगर यहां पे घूम के वापस आया होता तो क्या मिलता, वी ए माइनस समथिंग इज इक्वल टू वी ए। सो चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो, दैट इज किरचॉफ सेकंड रूल। ए प्लस माइनस माइनस प्लस, देन दिस टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन हेल्पिंग कंडीशन और ऑपोजिंग कंडीशन, दिस इज ऑपोजिंग कंडीशन। व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपोजिंग कंडीशन, बिकॉज हियर इफ वी कंसीडर क्लोज पाथ, मान ले के क्लोज पाथ कंसीडर किया होता तो ये बैटरी क्या जाती, करंट कुछ ऐसे फ्लो, कैसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, और ये बैटरी क्या बोलती, हायर टू लोअर ऐसे फ्लो, क्लॉकवाइज, तो किसकी चलेगी, ये बोलती है करंट कैसे फ्लो, क्लॉकवाइज, ये बोलती है करंट कैसे फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज, चलेगी किसकी, बड़ी बैटरी की, 6 वोल्ट, बोथ आर ऑपोजिंग ईच अदर, देयरफॉर दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑपोजिंग कंडीशन, क्योंकि इसको करंट कैसे फ्लो करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे करंट फ्लो करवाना चाहती है, क्लॉकवाइज, तो ये इसका ऑपोज कर रही है, देयरफॉर दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑपोजिंग कंडीशन एंड दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग कंडीशन। तो याद करो मैंने जब बोला था कि अगर पोलारिटी चेंज कर दी जाएगी, अगर बैटरी के टर्मिनल की पोजिशन चेंज कर दी जाएगी
तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या बनना चाहिए, E1 माइनस E2, याद है E1 माइनस E2। 6 माइनस 2 क्या बनना चाहिए, 4 वोल्ट बनना क्या चाहिए, 4 वोल्ट। किरचॉफ्स रूल से चेक करते हैं क्या 4 वोल्ट मिल रहा है क्या नहीं, मुझे बता यहाँ पे पोटेंशियल क्या वी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बड़े घटे, घटे कितना माइनस 6, नेगेटिव टू पॉजिटिव बड़े घटे, बड़े कहाँ पे जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव बड़े कितना बड़े प्लस 2 इज इक्वल टू कहाँ पहुँचे बी, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, देयर फॉर वी ए माइनस 4 इज इक्वल टू वी बी, देयर फॉर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। When current is in the direction of journey, negative. We are moving from A to B. Higher to lower, minus. मान लो कि current की direction ऐसे होती तो यहाँ पे क्या आता plus. तो खास ध्यान रखें higher to lower, minus. Higher to lower, minus. Higher to lower, minus. Now, here this is the circuit in which resistors and cells are given and current flowing through this network that is I, I1 and I2. यहाँ से current क्या flow रहा है I. At this junction current divides into two paths I1 and I2. Therefore, here using Kirchhoff's rule, we can find the relation between I, I1 and I2. Now in this network, resistors and cells are connected. The algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistor and cells in the loop is 0. Here you can see current flowing through different branches, that is I, I1 and I2. Current entering the junction that is I, current leaving the junction that is I1 and I2. Therefore, I is equal to I1 plus I2 from Kirchhoff's first rule. I is equal to I1 plus I2. Make this equation 1. Now, using Kirchhoff's second rule, you can make different equations. You can select first loop A, B, C, F, A. You can select second loop F, C, D, E, F. Like this. Then you will get relation between I1, I2 and I3. First rule se hame kya mil gaya? I is equal to I1 plus I2. Value of resistances are available to us. EMFs are also given. So using these values, we can find इलेक्ट्रिक करंट I, I1 एंड I2. क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हैं. अगर इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है तो कोई भी पहले यहाँ पे जंक्शन अवेलेबल है तो पहले क्या लगेगा, जंक्शन रूल. तो लगा लो जंक्शन रूल. ओके, लूप अवेलेबल है तो क्या लगेगा, लूप रूल. दिस किरचॉफ सेकंड रूल इज कॉल्ड लूप रूल. इसे क्या बोला जाता है, लूप रूल. And it is also called KVL. क्या बोला जाता है, KVL. This is Kirchhoff's voltage law. क्योंकि potential की बात की गई है, therefore this is called Kirchhoff's voltage law and this is called Kirchhoff's current law. KCL and KVL. Using KCL and KVL, you can find the value of I, I1 and I2. Use Kirchhoff's first rule and second rule and find value of I, I1 and I2. I am giving you this problem in homework. Try करें I1, I2 और I की value find करें. अगर ये आपसे हो जाता है तो आपको Kirchhoff's first rule और second rule समझ में आ गया. अभी तो हमने कुछ example लिए Kirchhoff's first rule और second rule के, पर next time हम और भी बहुत सारी circuit solve करने वाले हैं.
विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.